हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टेक। दोस्तों, यदि आप आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आपने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से फॉर्म फिल अप किया था तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न रेलवे मुंबई की ओर से एक आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। तो इस वीडियो में जानेंगे आरटीआई रिप्लाई में स्टूडेंट्स ने क्या सवाल पूछा था और ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने क्या जवाब दिया है। आठवां पैनलिस्ट कब तक आएगा, सातवें पैनलिस्ट की ज्वाइनिंग लेटर कैसे भेजा जाएगा, किस प्रकार से, यह भी देखेंगे। तो वीडियो लास्ट देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र एक सेकंड समय लगेगा। उसके बाद आप जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26/4/2024 के डेट में यह आरटीआई रिप्लाई आया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था, 22 अप्रैल को यह फाइल किया गया था। आरटीआई रिप्लाई यहाँ पे फाइल किया गया था 22 तारीख को, और 26 तारीख को यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था। दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि आखिर हमारा पैनलिस्ट में नाम आ चुका है, लेकिन आखिर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। यहाँ पे इन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू रिसीव द ईमेल ऑफ ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम वेस्टर्न रेलवेज। यहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह इन्होंने दे दिया था। तो इन्होंने कहा था कि आखिर हम कब तक अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर सकते हैं वेस्टर्न रेलवे की ओर से। तो यहाँ पे इन्हों के द्वारा जवाब जो बताया गया है, उन्होंने बताया गया है कि आफ्टर अलाटमेंट ऑफ पैनल द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आर डन बाय द कंसर्न डिवीजन। इन्होंने बताया कि हमने आरआरबी, जो यहाँ पे आरआरसी मुंबई है, इन्होंने अपने तरफ से पैनल लिस्ट जारी कर दिया है, और पैनल लिस्ट जारी करने तक का काम इनका होता है। इसके आगे का जो भी काम होता है ज्वाइनिंग लेटर का या फिर पोस्ट अलाटमेंट का, वे सभी जो है डिवीज़न पे डिपेंड करता है, और डिवीज़न अपने हिसाब से कैंडिडेट को ये चीज़ें प्रोसेस करेगा। तो ये आरआरसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आरआरसी मुंबई इसके लिए जवाबदेह नहीं है। इस कारण से इन्होंने ये चीज़ बताया है कि यह डिवीज़न पे टोटली डिपेंड करेगा। डिवीज़न जब चाहेगा तो आपका जो है यहाँ पर बताएगा। तो ऐसा क्लियरली कुछ जवाब निकल के सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये चीज़ है कि एक जो पैनलिस्ट आता है तो 5 से 6 महीना मैक्सिमम ऐसा रहता है कि 5 से 6 महीना के अंदर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाता है। तो वेट करना पड़ेगा, उसके सिवा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ विल वी रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर बाय ईमेल और पोस्ट। यहाँ पे बताया गया था कि हम ईमेल के जरिए या फिर पोस्ट के जरिए अपना जो है ये चीज़ प्राप्त करेंगे ज्वाइनिंग लेटर। तो इसके संबंध में जवाब इन्होंने यही चीज़ दिया है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ईमेल के थ्रू ही ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो रहा है। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है ईमेल के थ्रू भी मिल सकता है और बाय पोस्ट भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है ज्वाइनिंग लेटर आपको ईमेल के थ्रू ही मिले। तो आपको ईमेल हमेशा चेक करते रहना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो इनके द्वारा पूछा गया था कि पैनल लिस्ट हैज़ कम फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे बट पोस्ट अलाटमेंट हैज़ नॉट बीन डन, हाउ टू नो पोस्ट अलाटमेंट। तो इन्होंने पूछा है कि आखिर पैनल लिस्ट तो आ गया है, लेकिन पोस्ट अलाटमेंट नहीं पता है हमको, ये पता ही नहीं है हमने कौन सा पोस्ट पाया है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इसके थ्रू जो इनका जवाब आया है, अभी देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स आर इंटीमेटेड बाई दी कंसर्न डिवीज़न विच इज़ अलॉटेड टू दी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये चीज़ भी कंसर्न डिवीज़न पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कंसर्न डिवीज़न ही ये चीज़ फाइनलाइज करेगा कि किस स्टूडेंट्स को कौन सा पोस्ट देना है उनके नंबर के आधार पे। तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर में ही ये चीज़ लिखा हुआ आएगा कि आपको कौन सा पोस्ट अलाटमेंट हुआ है। तो उससे पहले इसका जवाब यहाँ पे दे पाना संभव नहीं है। तो बाकी आप वेट करिए ज्वाइनिंग लेटर का, निश्चित तौर से जब भी आता है ज्वाइनिंग लेटर तो बता दिया जाएगा। बाकी अभी एक महीना हुआ है, मार्च में आपका जो है पैनलिस्ट आया था, तो आ जाएगा, समय लगेगा थोड़ा सा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे यदि बात करते हैं कि यहाँ पे आठवां जो पैनलिस्ट है वह कब तक जारी किया जाएगा, चूँकि आपको पता है आठवें पैनलिस्ट के लिए जो डीवी कराया गया था 18 से 20 मार्च के दिन में कराया गया था, बाकी 1 अप्रैल को यहाँ पर ब्लॉक डेट रखा गया था। तो इसका जो पैनलिस्ट है उसके संबंध में अभी अपडेट निकल के सामने तो नहीं आ पाया है, लेकिन जो मेडिकली अनफिट कैंडिडेट थे उनका लिस्ट निकल के सामने आ चुका है। बाकी इसका पैनल लिस्ट भी आने की संभावनाएं अगले महीने में है। बाकी जैसे ही आता है पैनल लिस्ट तो आपको बता दिया जाएगा। चैनल से बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो बता देंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।